शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरी मां की आंखों में आंसू है तो विक्रम आग जलाता है और आग सिर्फ जलाती है। ये जलन तुम सह नहीं पाओगी चंपा, इसलिए तुम्हारे इस घर से बाहर जाना बेहतर होगा। इसका मतलब चंपा एक डायन है, अगर वो है अभी तो मैं उसके सामने कैसे लड़ पाऊंगी? हमारी मदद से अपना हाथ आगे करो। अंगूठी पहन के तुम मेरी भी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकती हो जो मैंने बरसों लगा के अर्जित की है। चंपा की कल की आई शक्तियां इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी किरण, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? रुपया, पैसा, ताकत? विक्रम मिलेगा? सिंदूर? इसे सिंदूर कह के इसका अपमान मत करो। ये सिंदूर नहीं वशीकरण राख है। इसे तुम्हारी मांग में भर दे, विक्रम तुम्हारे वश में हो जाएगा।
सामान तो लेती जाओ। सच कह रही है, इस वशीकरण रखो मेरी मांग में भरते से विक्रम वही करेगा जो तुम चाहोगी। वो तो चंपा को भी घर से बाहर निकाल देगा। तुम यही चाहती हो ना? थैंक यू। उल्टी गिनतियां शुरू कर दो मेरी डायनो। क्यों? हम छुपन छुपा खेल रहे महाडायन। पहले कौन छुपेगा? पहले आप छुपिए महाडायन। खेल खत्म होने वाला है रंभा, चंपा का खेल। अब बहुत जल्द किरण विक्रम को अपने वश में करके उस चंपा को घर से बाहर निकलवाएगी और बेचारी चंपा कुछ नहीं कर पाएगी। उस चंपा को अपनी सिंदूर की ताकत पे बड़ा घमंड है ना कि उसमें उसकी देवी का आशीर्वाद बसता है। अब उस रक्षिणी की रक्षा करने कोई नहीं आएगा, ना उसका सिंदूर ना उसका भगवान। जानते हैं बाबू कि आप चाहते हो कि हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएं, पर हमारी वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। जब तक वो नहीं डालते थे हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हमें अपने सिंदूर का फर्ज निभाना है। हम आपको वचन देते हैं बाबू
कि जब तक हमने जो मुसीबत आपकी जिंदगी में लाई है उसे झट से नहीं हटा देते, दुख डांट दर्द सब सहेंगे पर आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते। ये गांठ उसी दिन खुलेगी जिस दिन हम मोहिनी को आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर नहीं करते थे। ध्रुव देख जरा बाहर अभी भी है क्या? वो भैया वही है। इतने घंटे हो गए जा क्यों नहीं रही है? वेरी गुड। मौसम खराब हो रहा है तो जानी पड़ेगा उसको। रुक जाके देख के आना। गई क्या? भैया वो चली गई। थैंक गॉड गई। इतनी जिद्दी क्यों है यार? हाँ? जाती क्यों नहीं है? क्या चाहती है? इतनी फिक्र हो रही है तो जाकर पूछ लीजिए ना उससे। जाइए। मैं ही पूछ लेता हूं। जब तक बीमार नहीं पड़ोगी हिलोगी नहीं यहां से। हाँ? शेड में जाके बैठो। चंपा हिम्मत करो, शेड में बैठो, बीमार पड़ जाओगी। तुम जाओ
हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं जानते थे कि वो आपके अतीत की इतनी कड़वी बात है, वरना हम ऐसी गलती करते ही नहीं बाबू। अतीत को भुलाया जा सकता है चंपा, ये मेरा अतीत नहीं है, मेरा आज, मेरा आने वाला कल है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है कि पापा मेरी माँ और मुझे छोड़कर उस औरत के लिए चले गए, वो सच जो मैं कभी बदल नहीं सकता। एक बार अपना दर्द तो मैं संभाल भी लूं, पर माँ और दादी की आंखों में जो दर्द छलकता है ना, वो मुझे सारी उम्र तोड़ेगा, हर रोज तोड़ेगा। मेरा परिवार हर रोज सारी बातें भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जो सारे पुराने जख्म को ना ताजा कर देता है, जैसे आज तुमने किया। विक्रम, इसे अंदर लेके आ, कुछ बात करनी है। पंडित जी, और कोई उपाय नहीं है। बिटिया, डायन इतनी शक्तिशाली होती है कि उसकी तस्वीर में भी उसका साया रहता है, और यदि ये साया घर के पास से निकल जाए तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, और आप लोगों ने तो पूरे घर के बीचों बीच उसकी पूरी तस्वीर को लगा के रखा है। बस यही एक उपाय है। शुद्धिकरण? क्या दादी, क्या हुआ? वो तस्वीर लगाने से घर में नजर लगने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पंडित जी ने कहा है कि पूरे घर का शुद्धिकरण कराना होगा। ए नौकरानी, तू लौट कैसे आई? इसे हम लेकर आए हैं क्योंकि पंडित जी कह रहे हैं जिसने वो तस्वीर लगाई है उसी के हाथों से घर का शुद्धिकरण कराना होगा। अपनी भूल सुधारने के लिए हम सब कुछ करेंगे दादी जी, आप बस हमें आदेश दीजिए। आदेश तो हम देंगे, लेकिन क्या ये तुमसे हो पाएगा? गंगा मैया से 101 घड़े जल भरकर लाना होगा, और उस जल से जिस दीवार पर तस्वीर को लगाया था उस दीवार को साफ करना होगा, और ये सब कुछ कल सुबह का सूर्य निकलने से पहले। सॉरी पंडित जी, मैं ये सब बातों में नहीं मानता। विक्रम बाबू, ए चंपा, अगर तुम चुनाव लड़ने जाओ ना तो हमारे विक्रम को साथ जरूर ले जाना, भर भर के तुम्हारा समर्थन करेगा। पावन, क्या हुआ? ताना मारने की आपकी पुरानी आदत से इतना चताना नया है। भैया कुछ गलत नहीं कह रहे, पर किसी को गंगा मैया से यहाँ तक एक घड़ा भरकर लाना पड़ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए। 101 घड़े कौन लाएगा? हम लाएंगे। लेकिन दादी माँ, के बदले आपको हमें कुछ देना होगा। ए विक्रम, इसको तिजोरी की चाबी लाकर तो दे दे। ए लालच की पोटली, तू क्या मांगने वाली है जरा बता तो। पैसे, गहने, जवाहरात, हीरे, माधुरी। ए लड़की, तुझे बदले में क्या चाहिए? माफी। ए
हमें सिर्फ माफी चाहिए। तुम जितना जल्दी हो सके राठौर परिवार से दूर चली जाओ। कागज के चंद टुकड़ों के लिए हम वो खजाना नहीं गवा सकते। कौन सा खजाना? हमारा सिंदूर। तुम अब डायन हो, डायन। हम एक सुहागन है और हर सुहागन सावित्री का रूप होती है और हम पीछे नहीं हटेंगे। आज के जमाने की इस सावित्री को आग से खेलने का बहुत शौक है ना, इसका ये शौक भी पूरा कर ही देते हैं। फिर देखते हैं ये अपने सत्यवान को हमसे कैसे बचाती है।